Mother Teresa! Mother Teresa! Jinu! Jinu! Jinu, उठ जा मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो थोड़ा बेच के सो रहा है। Jinu! Jinu! नक्चरी बहुत बड़ी मुसीबत में, हमें उसे बचाना होगा। Jinu, उठ जाओ। बेटे की तुम? Jinu! Jinu! मुझे लगता है कि तू अलीजा की ताकतों को हरा सकता है। हम तुम्हें बाद में देख लेंगे मच्छर, लेकिन पहले अपनी मंजिल को पूरा करना जरूरी है। कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, दुकान की हालत देख रही हो? लगती है नायाब चीजों की दुकान ये धूल। कसम सोने की अशर्फियों की, लोग आते हैं और पूछते हैं, बीबी 2 किलो मकड़ी के जाले मिलेंगे, 1 शेर धूल देना। और ये सब तेरे उस अलादीन के वजह से, मेहनत और ईमानदारी की नौकरी छोड़ के चोरी का चस्का लगा। अब ऐसे में मेरे दिल से हाय नहीं निकलेगी तो। मैंने आपसे कहा ना, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस बस मेरे बेटे को बद्दुआ मत दीजिए। ठीक है, नहीं देती हूँ, पर सुन ले तुझे क्या करना है। घर और दुकान की हालत तो तू देख रही है, बिल्कुल मनहूस हो गई है, बिल्कुल गुलबदन के अब्बू की शक्ल की तरह। इन्हें साफ करके चमका दे और कपड़े धो दे। गुलबदन के अब्बू की तबीयत जरा नासाज है तो 8-10 दिन से कपड़े ही नहीं धुले। उसके बाद अपने घर चली जाना और हमारे लिए रोटी बना ला, मेरे गुल्लू के लिए 4, उसके उसके अब्बू के लिए तो आधी ही काफी है, और मेरे लिए सिर्फ 15। जब से तबीयत बिगड़ी है तब से भूख मर सी गई है। अब यूं देखती रहेगी तो दुकान अपने आप को थोड़ी साफ कर लेगी, तुझे हाथ चलाना पड़ेगा। शुरू हो जा। कसम सोने की अशर्फियों की, जरा जल्दी। Jinu, 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 उठ जा मेरे भाई, हमें नक्चड़ी को बचाना है। Jinu, 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 ओ बेटे की तुम, Jinu, Jinu, आका, Jinu यहाँ पे। तुम कहाँ हो आका? बेटे की तुम? तुम छोटे कैसे हो गए? तुम्हें इतना छोटा देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है भूख की वजह से मुझे कमजोरी हो रही है। भूख की वजह से नहीं Jinu के बच्चे, जादुई काबू की वजह से। जादुई काबू? हाँ। Thank you.
जिनू हमारे पास वक्त बहुत कम है, नक्चली बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू अपना जादू फिर से करके मुझे बड़ा कर दो जिनू, जल्दी। नहीं नहीं आका, मैं जादू नहीं करूंगा। मेरा जादू कहीं फिर से उल्टा पड़ गया तो, कहीं तुम और छोटे हो गए तो, या फिर कहीं तुम्हारी पूछ आ गई तो, या फिर तुम गुल्लू की तरह उल्लू हो गए तो। जिनू देखो, नक्चली को बचाना तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो जिनू, उसे याद करो जो तुम्हें बहुत अजीज है, और फिर अपना जादू करो मुझ पे। हाँ अजीज, होता तो वही है जो खुदा को मंजूर होता है। इंसान तो पूरे दिल से बस कोशिश कर सकता है। अम्मी, मेरे लिए मेरी अम्मी अजीज है, और अम्मी के लिए मेरे आका। आका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आका, मुझे नहीं पता कि जिनू के जादू से मेरा क्या होगा। अम्मी, आप तो जानती है ना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी का प्यार मेरा खजाना है, आका का कर्ज वापस लाना है। अरे तुझे पता चला, अलादीन ने अपनी ही चाची के घर में चोरी की। अरे गद्दार का बेटा और कर भी क्या सकता है। बस अब बहन, मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी सुनाया तुम्हें कि तुम्हारा बेटा मुर्गी चोर है? दो रातें हवालात में काट कर आया है, उसे तो अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। और तुम क्या हंस रही हो सुबेदा बहन? तुम्हारा बेटा तो दरगाह के बाहर जो भिखारी बैठे थे उनके कटोरों में से पैसे चुराता हुआ पकड़ा गया था। हाँ मानती हूँ कि मेरे अलादीन से गलती हुई है, पर तुम दोनों के बेटों की तरह लालच के लिए नहीं किया उसने जो कुछ भी किया है। जिस बात के हाथों मजबूर होकर किया है, उस पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो। सही कह रही है रुखसार, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है? बेचारी को अपना काम करने दो, मुंह उठाए चले आते हो किसी की दुखती दुम पे पैर रखने के लिए। दफाओ यहाँ से, अरे जाओ ना। रुखसार, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, तुम अपना काम करो। आका, मैं ठीक हो गया। जिनू, आका, आका, मैंने तुम्हें पाला पोसा तो नहीं, लेकिन बड़ा जरूर किया है। जिनू मेरे भाई, तूने मुझे बचा लिया। आका, जाओ, अब जाके प्यारी परेशानी जी को बचा लो। हाँ। शहजादे यास्मीन, आपकी बारात भी आ गई और आपका दूल्हा भी आ गया। चलो चलो जल्दी चलो, इनसे तो तेज गधे चलते हैं। आज सूरज पर ग्रहण लगेगा, तभी तो चांद हमारा होगा। आधा ग्रहण लग चुका है और अब हमारे अगले कदम के बाद शहजादी यास्मीन हमेशा हमेशा के लिए जफर की हो जाएगी।
मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा। इस नीले आग के घेरे में लेटी शहजादी जैसे ही वजीर आला को देखेगी, सब कुछ भूल कर उन्हें याद रखेगी और उनसे मोहब्बत करेगी। मदद अलीजा, मदद मदद अलीजा। इस आग में ना जलने का मतलब है कि अलीजा ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। अलीजा, तेरा ये मुरीद तेरे लिए लड़की पेश करता है। ये लड़की है कोई गुलाब जामुन नहीं, जो अपनी बुआ अलीजा के आगे पेश कर रहे हो। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ, पहले मैं बहुत छोटा था, फिर मैंने हरी सब्जी खाई, दूध पिया, कसरत की और आज मैं इतना बड़ा हो गया। जब मुसीबत बड़ी होती है तो कैलाश भी बड़ा होता। अब चुपचाप इस लड़की से अपना काबू हटाओ ना, एक झापड़ में पापड़ बना दूंगा। झापड़ पापड़ क्या शहर है ना, बात बोली है ना, दे 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 ताली। एक मेरना शेर को धमकी नहीं दिया करता। बेवकूफ, ऊपर देखो, ग्रहण शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये लड़की अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी होगी। तुम अपने आप के लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि जैसे ही इसे होश आएगा ये पूरे तरीके से किसी और की हो जाएगी। वाह बेगम वाह, क्या हुस्न है! ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी रात में दरिया में अपना भीगा बदन लिए दरियाई घोड़ा तरबूज खा रहा हो। अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप तरबूज काटो। हाँ। अरे रुखसार, जरा उस कोने में दबा के साफ करना रगड़ के, एक महीने से वो कोना साफ नहीं हुआ। वाह बेगम, मान गए तुम्हें, कमाल की शातिर हो तुम। कंगन चोरी के मामले में माँ बेटे दोनों को फंसा दिया। कसम सोने की अशर्फियों की मियाँ, ये तो इत्तेदा है, आगे आगे देखो नाजनीन क्या करती है। कमजोरी के मारे हाथ ऐसे कांप रहे हैं कि थाली भी नहीं पकड़ी जा रही। रुखसार, जरा साफ कर देना। बेगम,
खाला, खाला जान आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। खाला, खाला आप थकी हुई से क्यों लग रही है? खाला जान आप थकी हुई लग रही है, हकीम साहब ने मना किया था ना आपको काम करने के लिए, आपकी सांस फूल जाएगी। खाला जान मैं करती हूँ। पिद्दी, दरअसल रुखसार मेरी मदद कर रही है। सलाम। सलाम। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, फूल सा बदन मुरझा सा गया है। खाला जान आप छोड़िए ना, मैं करती हूँ। मैं कर लूंगी, मैं ठीक हूँ। मुझे आका की मदद करनी होगी, लेकिन ऐसे जिन बनकर नहीं, शेख जिनू बनकर। उस जादुए काबू के टोकरे ने मेरी असलियत देख ली, लेकिन और किसी को मेरी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। जाने क्यों हमें कोहिनूर बाग से हमारे जीत की खुशबू आ रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रहण खत्म होते ही तू उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अम्मी कहती है बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई की होती है। और अगर मैं हार गया तो मेरी अम्मी की बात गलत हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हसीन चेहरे पर खास शहद की मालिश करवा के आया हूँ, जिससे लड़कियाँ चींटियों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेंगी। मुझे ये तो पता था कि कोई लड़की जरूर आएगी, लेकिन तुम आओगी ये नहीं पता था। देख लो अपने सांड, मेरा मतलब है अपने चांद को। गधे का बच्चा कुछ भी बोले जा रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, ये बात आपने सही की। बच्चा तो गधे का ही है, जाओ संभालो इसे। इसका रुखसार को ऐसे देखना मुनासिब नहीं। हाँ गुल्लू बेटा। जी अबू। तुझे कबाब बहुत पसंद है ना? जी। मैं छुट्टन की दुकान से तेरे लिए कबाब लेकर आया हूँ, चल खाते हैं। जी अबू। बिंदी बाद में तो, खुदा हाफिज। चलिए अबू। खुदा हाफिज, भुक्कड़पन पे तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अबू खाला जान आप रहने दीजिए, मैं ये तो रुखसार को ही करना पड़ेगा। पर क्यों? वो यूं क्योंकि ये उसकी सजा है, उसके चोर बेटे की करतूत की सजा। चोर? हाँ पिद्दी, पहली मर्तबा जब मुझे पता चला तो मेरा चेहरा भी यूं मुरझा गया था, लेकिन फिर मैंने साबित कर दिया
कि अलादीन ने ही मेरे घर से कंगन चुराए हैं, तब तो यकीन हो गया कि आखिर चोर की जगह तो सलाखों के पीछे होती है। पर भाभी, वैसे तो चोर की सजा सलाखों के पीछे हो। भाभी, बार बार ये बात कहने का क्या फायदा? मैं आपसे कह चुकी हूं ना, मेरे बेटे से जो गलती हुई है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर ये करने के बाद कपड़े धो लेना। बैठे बैठे थकन सी हो रही है, थोड़ा लेट लेती हूँ। गुलबदन की अब्बू। खाला जान, ये क्या? तू तो मेरे अलादीन को जानती है, वो चोर नहीं है, बस उससे गलती हो गई। दरअसल गलती तो मेरी है, मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि वो कंगन जो मैंने भाभी के पास गिरवी रखे हैं, वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। वो पागल अपनी अम्मी के लिए इतनी बड़ी गलती कर बैठा। खाला जान, आप रोइए मत, हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो गलती कर सकता है लेकिन गुनाह नहीं। मेरा दिल भी यही कहता है बिद्दी, मेरी परवरिश मेरे बेटे को चोर नहीं बना सकती। मेरा अलादीन तो बहुत बहादुर है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हंसकर कर लेता है, और एक बार कोई चीज ठान ले तो उसे जरूर पूरा करता है। खाला ये मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगी। खाला जान छोड़िए, मैं देखती हूँ। नहीं तो कभी नहीं। ठीक तो नक्चड़ी, अपनी आंखें खोलो नक्चड़ी, अपनी आंखें खोलो।